हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल प्लैनेट ब्लू। आज हम बात करने वाले हैं एप्पल स्नेल के बारे में। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, मेरे पास ये तीन एप्पल स्नेल यहाँ पर हैं और इन तीनों को मैं मई में लेकर आया था। तब ये बिल्कुल मोती जितने बड़े थे, छोटे मोती जितने छोटे से थे, और आप देख सकते हैं आज कितने बड़े बड़े हो गए हैं। और तो आज मैं इनके बारे में आपको बताने वाला हूँ, इसमें मेल फीमेल देखने का तरीका, इनको क्या खिलाना है, कितने बड़े टैंक में आप इनको रख सकते हैं, इनकी ब्रीडिंग कैसे करानी है, और ये प्लांटेड के लिए अच्छे हैं या नहीं, ये भी बता देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इनमें मेल और फीमेल। तो दोस्तों, पहली बात, स्नेल्स में कोई भी मेल या फीमेल नहीं होता, अलग से नहीं होता कि ये मेल वो फीमेल, वो फीमेल तो वो मेल, ऐसा कुछ भी नहीं होता। अगर ये दोनों मेल हैं और ये दोनों मेल हैं, या फिर ये तीनों मेल हैं, तो अगर हम बात करें सिर्फ दो को ब्रीड कराने के बारे में, तो अगर दोनों मेल हैं तो दोनों में एक फ़ाइट होती है और जो हार जाता है वो फीमेल बनता है और जीतने वाला बन जाता है मेल। लेकिन कई बार, रेयरली, एकदम कम चांसेस होते हैं कि बिल्कुल उल्टा हो कि फीमेल जीतने वाला फीमेल बने और हारने वाला मेल। लेकिन ज़्यादातर ऐसा ही होता है कि जीतने वाला मेल बन जाता है। तो आप इनको बिल्कुल आराम से ब्रीड करा सकते हैं। जैसे कि अब आपको पता लग गया है, स्नेल्स में मेल या फीमेल नहीं होता। अगर आप इनका बिज़नेस करना चाहते हैं, या फिर अगर आप इनको टैंक में पालना चाहते हैं और घर बैठे इनको सिर्फ सेल करना चाहते हैं, तो अगर आप दो स्नेल ले आएंगे और उन्हें आप एक फिट का टैंक देंगे, जैसे आप यहाँ देख रहे हैं, ये तो छोटा सा डब्बा मैंने आपको सिर्फ शो करने के लिए दिखाया है कि एप्पल स्नेल्स को, और एक फिट का टैंक देते हैं तो ये बहुत अच्छे से ग्रोथ करते हैं और बहुत जल्दी जल्दी ब्रीडिंग भी करते हैं। अगर आप इन्हें ठंड में टेम्परेचर देना चाहते हैं तो आप इनमें हीटर लगा सकते हैं, और 22 से 24 डिग्री सेल्सियस इनके लिए बहुत होता है, उससे ज़्यादा ना बढ़ाएं वरना इनका सेल क्रैक होने लगता है हीट बढ़ने से भी। और इनकी बॉडी का रंग आप देख सकते हैं, थोड़ा वाइट, थोड़ा स्किन कलर में एकदम लाइट हो गया है, लेकिन ऐसा नहीं, ये नॉर्मल जब टेम्परेचर रहता है तो बिल्कुल पिंक हो जाता है, जैसे आप यहाँ इस स्नेल की बॉडी में हल्का सा देख रहे होंगे, ये पिंक शेड में बिल्कुल ऐसा ही हो जाता है। तो रही बात इनको खिलाने की, तो ये सब खाते हैं, फिश फूड में ये बिल्कुल सब कुछ खा सकते हैं। जैसे कि मैं इनको देता हूँ ऑप्टिमम टर्टल स्टिक्स, टोया बाइट्स, डॉक्टर फिश, बेसिक फ्लैक्स, क्विक रेड, जितने भी तरह के आते हैं सब कुछ। और अगर आप इनको हेल्दी रखना चाहते हैं तो प्लीज़ लो क्वालिटी वाला खाना ना दें, 50-60 रुपये वाला। अब लो क्वालिटी से मेरा मतलब पैसे से लेकर नहीं कि 50-60 वाला, लेकिन उसकी क्वालिटी पे है। जैसे एक टोक्यो नाम का फूड आता है, वो होता तो काम चला हुआ है लेकिन उतना अच्छा नहीं होता। आप चाहें तो ट्राई करके देख सकते हैं, आपके स्नेल्स भी मर जाएंगे और अगर मछली को खिलाते हैं तो मछली भी मर जाएगी उसको खा के, तो आप वो ना दें। वेजिटेबल्स में आप इन्हें दे सकते हैं पालक, ब्रोकली, गोभी, पत्ता गोभी, खीरा और गाजर। इन्हें ना दे तो अच्छा है, लेकिन कई लोग गाजर भी खिलाते हैं क्योंकि उनकी ब्लैक हो खाती है, उनकी सगर कैट खाती है, इसलिए पर गाजर ना दें। और अगर रही बात इनको रखने की, अगर आप इन्हें सिर्फ इनको रखना चाहते हैं तो आप ऐसे डब्बे में भी अगर इनको रख देते हैं, जैसे कि ये डब्बा है 10 इंच लंबा है और ये 6 इंच चौड़ा है, 3 इंच ऊंचा है, ऐसे डब्बे में भी रख सकते हैं। इतना पानी रखिए कि इनका सेल डूब जाए, आप इतने बड़े में भी रख सकते हैं। लेकिन अगर इनका सफिशिएंट साइज़ देखा जाए जिसमें ये बिल्कुल हेल्दी रहेंगे, तो आप एक फिट के टैंक में इनको रखेंगे तो बहुत ज़्यादा अच्छा है, और आपको उसमें स्पंज फिल्टर या ऑक्सीजन बबल लगाने की भी ज़रूरत नहीं है, कुछ भी लगाने की ज़रूरत नहीं है, ये अपना ऑक्सीजन खोद लेते हैं नेचुरल एयर में, थोड़ा सा बाहर निकल जाते हैं और फिर सांस लेते हैं, फिर वापस नीचे चले जाते हैं, और ये बिल्कुल बेटा फिश की तरह थोड़ा थोड़ा इनका रहन सहन होता है। तो अगर आप इन्हें ब्रीड कराना चाहते हैं, मेन मुद्दे पे आते हैं, अगर आप इन्हें ब्रीड कराना चाहते हैं तो दो स्नेल, जैसे आप यहाँ देख रहे हैं, ये दोनों वैसे भी पेयर ही हैं, इसने अंडे लगाए भी थे हमारे टैंक में थोड़े से, लेकिन हमारी मछलियों ने उन्हें खा लिए। तो अगर आप इन्हें ब्रीड कराना चाहते हैं तो मैं आपको एक रामबाण इलाज बताता हूँ। आप एक फिट का टैंक लीजिए या फिर 12 इंच वाला बाउल, उस बाउल में आप डाल दीजिए गार्डन की सॉइल। जैसे आप देख सकते हैं इस स्नेल पे थोड़ी सी मिट्टी लगी हुई दिख रही है, ये उसी मिट्टी के अंदर ही छुपे हुए थे। तो आप गार्डन सॉइल लीजिए, उस टैंक में डाल दीजिए, 2 इंच ऊंची लेयर डालिए और फिर उसमें धीरे धीरे पानी भर दीजिए,
और 2 दिन के लिए उस टैंक को छोड़ दीजिए, स्नेल मत डालिए उसमें। जब उसमें से अमोनिया और सब कुछ मट्टी में से जो जहरीली गैसें होंगी वो सब निकल जाएगा, तो मिट्टी के ऊपर एकदम वाइट सी लेयर बन जाएगी झाग की। आप उस झाग को हटाइए और 2-3 दिन बाद आप चाहें तो पानी चेंज कर सकते हैं, वरना उसी पानी में इन स्नेल्स को डाल दीजिए। लेकिन आपको 1 फीट के टैंक में सॉइल डालने के बाद सिर्फ 2 स्नेल डालने हैं। 2 स्नेल्स में अब वो चाहे दोनों मेल हों चाहे दोनों फीमेल, वो दोनों आपस में ब्रीड करेंगे, जीतने वाला मेल बनेगा और हारने वाली फीमेल बनेगी, और फिर वो आपके टैंक में एग्स लगा देंगे। एक बार उनके अंदर का कैल्शियम बढ़ गया तो वो आपके टैंक के चारों तरफ अंडे ही अंडे लगा देंगे, और इनके अंडे आप देखेंगे अंगूर के गुच्छे की तरह होंगे, पिंक रंग के, देखने से लगेगा मोती हैं ढेर सारे, लेकिन वो अंडे होते हैं। और इनके अंडे हैच करना भी बहुत आसान है, अगर आप छेड़ेंगे नहीं तो 40 दिन के अंदर वो खुद ब खुद हैच हो जाते हैं, और उसमें से नन्हे नन्हे मोती जैसे बहुत सारे बच्चे निकलेंगे। और अगर आप उन्हें हैच करना चाहते हैं थोड़ा जल्दी, और अगर वो हैच नहीं होते हैं तो आप उन्हें हैच करना चाहते हैं, तो आप उनके अंडों को धीरे से निकाल लीजिए किसी साफ ब्लेड से, और किसी डब्बे में उसमें वो टिश्यू पेपर बिछाइए, अंडे को रखिए, एक और टिश्यू पेपर बिछाइए, हल्का सा गीला करिए, और किसी वार्म जगह पर उसे रख दीजिए। ठंडी जगह नहीं होनी चाहिए, एकदम गर्म जगह नहीं होनी चाहिए, ऐसी जगह जहाँ पे थोड़ी सी गर्मी रहती हो, और 40 दिन बाद वो वैसे भी हैच हो जाएगा, लेकिन आप छेड़ेंगे नहीं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो ये तरीका मैंने बताया इनको ब्रीड कराने का। अगर आप सॉइल रखेंगे, मिट्टी रखेंगे, तो सच में ये बहुत अच्छे से ग्रोथ करते हैं, बहुत अच्छे से, क्योंकि नेचर में तो ये ऐसे ही रहते हैं। नेचर में तो हम जैसा एक भी आदमी इन्हें खाना डालने जाता नहीं है, ना ही वहाँ पे फिश फूड अवेलेबल होता है, तो आप नेचुरल तरीके से रखेंगे तो बहुत अच्छे से ब्रीड करेंगे। और ये देखिए जैसा यहाँ देख रहे हैं, इसका सेल थोड़ा सा यहाँ पे फूटा हुआ है। अगर ऐसा कुछ आपके स्नेल्स के साथ होता है तो आप उसमें आपके एक्वेरियम में कटल फिश बोन डाल सकते हैं। कटल फिश बोन ये खाएंगे तो बहुत अच्छे से इनका सेल भर भी जाएगा, और यहाँ हल्की वाइट शेड जो आ रही है ये सब कुछ ख़त्म हो जाएगी। ये इनके सेल को जब कैल्शियम की पावर दोबारा मिलेगी तो ये बिल्कुल कलरफुल हो जाएंगे, बिल्कुल इन दोनों की तरह। और जैसा आप देख रहे हैं यहाँ पे ये सिर्फ बाहर निकला हुआ है, अगर कभी ऐसे आपको लगता है तो आप अपने स्नेल को छेड़ के देखिए, ये देखिए हिल रहा है, इसका मतलब ये जिंदा है। तो मैंने आपको आज इनमें मेल फीमेल देखने का तरीका, ब्रीडिंग कराने का एकदम अचूक तरीका बता दिया है, और इनके सेल्स भरने का। और अगर आप इनमें कलर लाना चाहते हैं तो आप इन्हें केले का स्लाइस दे सकते हैं। तो अब बात करते हैं इनको प्लांटेड टैंक में रखना चाहिए या नहीं। तो अगर जब तक ये बच्चे रहते हैं, यानी कि 1 इंच से कम साइज़ के, आधे इंच तक, तब तक आप इन्हें प्लांटेड टैंक में रखें तो ठीक है, लेकिन प्लांटेड टैंक में ये ज़्यादातर प्लांट्स को खा जाते हैं। प्लांट्स में छेद करते करते आपके पूरे एक्वेरियम को ख़राब कर देंगे, और कई बार ये बड़े होने के बाद या छोटे छोटे रहते हैं तो आपके फिल्टर में फंस सकते हैं, या फिर अगर ऐसे साइज़ का स्नेल आपके पास है तो वो आपके स्पंज फिल्टर या फिर फिल्टर को तहस महस इधर उधर कर देगा। तो आप प्लांटेड टैंक में ना रखें। और फिश के साथ रखना चाहते हैं तो मैं इनके टैंक मेट्स भी बता देता हूँ। आप इन्हें गोल्ड कोई कार्प के साथ छोड़ के किसी भी मछली के साथ रख सकते हैं, यहाँ तक कि एंजल के साथ भी ना रखें तो ठीक है, क्योंकि ये 3 मछलियाँ आप लोग जानते हैं सिर्फ छेड़ने छेड़ने के बहाने ये इनको ख़राब कर देगी। और गोल्ड और कोई कार्प के साथ तो ज़्यादातर ना रखें तो ज़्यादा अच्छा है। और इसी के साथ मैंने आपको सब कुछ बता दिया है इनके बारे में, और अगर कुछ आपको जानना हो तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में अपना व्हाट्सएप नंबर दे दूँगा, जो कोई मुझे पूछेगा मैं उसे मैसेज में जवाब दे दूँगा बिल्कुल अच्छे से। तो अब मैं इस वीडियो का एंड यहीं पर करता हूँ दोस्तों। अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें और चैनल सब्सक्राइब करें। मैं और भी एनिमल्स के बारे में, और भी छोटे छोटे पेट्स के बारे में, चाहे वो वाइल्ड हों चाहे हमारे पेट एनिमल्स हों, मैं सबकी वीडियो बनाता रहूँगा और उनके बारे में कई अलग चीज़ें भी आपको बताऊँगा। तो थैंक यू फ्रेंड्स।